सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, कल हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग शब्द। इकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? लिखो, जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा हो तो उन्हें इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में किसकी मात्रा हो? अंतिम वर्ण में ई की मात्रा हो तो उन्हें क्या कहते हैं? इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यथा, जैसे, हरी, रवि, कवि, मुनि आदि। ठीक है बेटा, जैसे हरी, रवि, कवि, मुनि आदि। अब बेटा देखो, हरी के री में क्या है? ई। ठीक है, इसलिए ये इकारांत शब्द कहलाए। यहाँ रवि के वी में क्या है? ई, इसलिए ये इकारांत शब्द कहलाए। और यहाँ कवि के वी में क्या है? ई, इसीलिए ये इकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाए। मुनि के नी में क्या है? ई। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं? इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको हरी शब्द रूप यहाँ पर बनाना सिखा देती हूँ। उसके बाद जैसे हरी शब्द आएगा वैसे ही रवि आएगा, वैसे ही कवि आएगा और वैसे ही मुनि आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगी? विभक्ति। विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, अब सबसे पहले हरी शब्द रूप ले लेते हैं, हरी के शब्द ले लेते हैं। हरी, हरी में ई की मात्रा छोटी और क्या लग जाएगा? विसर्ग। हरी, द्विवचन में हरी मात्रा कैसी आ जाएगी? बड़ी। और बहुवचन में है, रे, ये क्या आ जाएगा? हर, ये, आए। ठीक है, और विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति हरिम, हरी, हरीन, हरिम,
हरी हरीन, ध्यान रहे द्वितीय बहुवचन में ई की मात्रा कैसी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। तृतीय विभक्ति हरिणा हरिणा, तृतीय द्विवचन में हरिभ्याम, तृतीय द्विवचन में हरिभ्याम और बहुवचन में क्या हो जाएगा हरी भी। तृतीय एक वचन में हरिणा, द्विवचन में हरिभ्याम और बहुवचन में हरी भी। चतुर्थी एक वचन में हरिये, द्विवचन में हरिभ्याम, बहुवचन में हरिभ्य। ठीक है, पंचमी एक वचन में हरे हरिभ्याम हरिभ्य। षष्ठी एक वचन में हरे हरि हरियो हरियो हरि णाम। सप्तमी एक वचन में हरौ हरियो हरीशु। संबोधन हे हरि हे हरे हे हरि। हे हरिये। ठीक है, अब बेटा देखो इधर, ये हरि शब्द है, हरि शब्द में क्या आ गया र, इसलिए तृतीय एक वचन में यहाँ न की जगह हमने क्या कर दिया अण, और यहाँ षष्ठी बहुवचन में नाम की जगह क्या कर दिया अणाम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया र। मैंने कल आपको बताया था ना कि जिस संज्ञा शब्द में र आए, री आए, षटकोण वाला स आए, क्षत्रिय वाला छ आए, तो तृतीय एक वचन में न की जगह अण है और षष्ठी बहुवचन में नाम की जगह नाम हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये रवि शब्द का हो जाएगा और ऐसे ही कवि शब्द का, ऐसे ही मुनि शब्द का हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना कि ये जो मुनि और कवि शब्द है, कवि और मुनि शब्द है, इसमें देखो यहाँ जो हरिणा है यहाँ कवि में क्या हो जाएगा कविना और यहाँ कवि नाम, मुनिना और मुनि नाम, क्योंकि इसमें ना तो र है दोनों शब्दों में और ना री है, ना षटकोण वाला छ है और ना क्षत्रिय वाला छ है, इसलिए इनमें यहाँ पर न रहेगा। ठीक है, दूसरी बात बेटा, एक तो द्वितीय बहुवचन में जो हरिन होता है तो उसमें ई की मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आएगी, और एक षष्ठी बहुवचन में चाहे ई की मात्रा हो चाहे ऊ की मात्रा हो, ठीक है, तो उसमें मात्रा कैसी आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से यह आज का हमारा इकारांत पुल्लिंग शब्द कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।